आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 800 से ज्यादा स्कूली बच्चों का मेरठ रोड स्थित वेदांत फार्म में मैथमेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सिप अबाकस संस्था के द्वारा तीसरा आयोजन था। प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान यहां पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल व नगरपालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल भी मौजूद रहीं। उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिताओं को कराने वालों को धन्यवाद दिया और प्रतियोगिता में भाग ले रहे नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस प्रतियोगिता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व प्रदेश उत्तराखंड के 800 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को 120 मैथ के सवाल दिए जाते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए बच्चों को 5 मिनट का समय दिया जाता है। इस प्रोग्राम में बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ काफी संख्या में गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बच्चे भी इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और बेल बजाते ही तुरंत सवालों का जवाब देने में जुट गए। मेरा नाम रीना अग्रवाल है और मैं ये SIP अबाकस का थर्ड UP और उत्तराखंड का एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन है जिसमें 800 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम हर साल ये कॉम्पिटिशन करते हैं जिसमें बच्चे अपने अरिथमेटिक स्किल्स को अपने शो करते हैं और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्पीड, लिसनिंग, ये सभी चीज़ों का उनका स्किल का यहाँ पर टेस्ट होता है। कितने स्टेट के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट? यहाँ दो स्टेट्स के, डिफरेंट सिटीज़ के 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे संजीव बालियान जी, कुंज बिहारी अग्रवाल जी, SC कुलश्रेष्ठ जी और सतीश चंद गोयल जी और कपिल देव अग्रवाल जी, ये हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। और इसके साथ साथ ही आज हमारा एक बहुत स्पेशल यहाँ पर राउंड था जिसमें बहुत तेज साउंड के साथ बच्चों ने 120 सवालों को हल किया। वो आपने शायद देखा होगा वीडियो में, आप देख सकते थे कि बच्चे बहुत इंजॉय करके कर रहे थे और उनको किसी भी कोई भी चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, तेज़ म्यूजिक भी नहीं। तो ये SIP अबाकस बच्चों के अंदर एकाग्रता, मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, स्पीड, इन सबको इम्प्रूव करके बच्चे को 5 गुना बेहतर बनाने का प्रॉमिस करता है। और भी जनपद के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सभी जनपदों के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को, स्कूल तो जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ अभी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है। आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में जितने भी आप 12th के बाद देते हैं या जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें ये बहुत हेल्प करता है। और अरिथमेटिक खाली मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। आज हमारे बीच में हमारे स्पेशल चेन्नई से आए हुए हमारे डिटेंशन हेड जयशंकर जी और साथ में राजेश चड्ढा जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे बच्चों का उत्साहवर्धन करने।